फ्रेंड्स, हम पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम हाई स्कूल के पहला चैप्टर द फाउंटेन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअली जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कब ने फाउंटेन के डिफरेंट क्वालिटीज का डिस्क्राइब किया है, अर्थात विभिन्न गुणों का वर्णन किया है। इसको जेम्स रसेल लॉवेल ने कंपोस्ट किया है, जो अमेरिकन रोमांटिक पोएट थे। आइए हम अपने पार्ट पर चलते हैं। स्टेंजा फर्स्ट, इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, फुल माने भरा हुआ, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग उछलता और कूदता हुआ, एंड फ्लैशिंग चमकता हुआ, फ्रॉम से मार माने सुबह से, टिल माने तक, नाइट माने रात तक, सुबह से रात तक, फुहारा कभी कहता है कि फुहारा प्रकाश की रोशनी से भरा हुआ, सूर्य सनशाइन मिस होता है सूर्य की रोशनी में, तो कभी कहता है कि सूर्य की रोशनी में फुहारा प्रकाश से भरा हुआ, सुबह से शाम तक उछलता और कूदता और चमकता रहता है। अब हम स्टेंजा नंबर दो पर जाएंगे, तो यहाँ पर कवि ने रचना की है, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, व्हाइटर माने सफ़ेद, देन माने से, स्नो माने बर्फ से भी अधिक सफ़ेद, बेबिंग बेबिंग माने लहराता हुआ, सो फ्लावर लाइक माने फूल के समान, व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन माने जब, द विंड्स मिस हवा, ब्लो माने बहती है या चलती है, कभी कहता है जब हवा चलती है तब फुहारा फूल के समान लहराता हुआ, बर्फ से अधिक सफ़ेद, चंद्रमा की रोशनी में दिखाई पड़ता है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में फुहारा, जब हवा चलती है तो फूल फूल के समान लहराता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम स्टेंजा नंबर तीन में चलेंगे, इनटू द स्टार लाइट, तारा की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, का भी वर्णन करते हुए कहता है कि तारा की रोशनी में रसिंग मीन्स दौड़ता हुआ, भागता हुआ, इन स्प्रे माने फुहारे फेंकता है। कभी कहता है कि तारा की रोशनी में फुहारा अपनी गति बनाए हुए फुहारे फेंकता रहता है, हैप्पी एट मिडनाइट, और अर्ध रात को भी प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन को भी प्रसन्न रहता है। यानी इस स्टेंजा में कवि वर्णन करते हुए कहता है कि इनटू द स्टार लाइट, तारा की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, बौछार को फुहारों को फेंकता हुआ अपने गति को बरकरार रहता है, और अर्धरात को भी प्रसन्न रहता है और दिन को भी प्रसन्न रहता है। अब हम स्टेंजा नंबर चार में चलेंगे, इवर इन मोशन, इवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ये वेरी। इवर इन मोशन, सदैव गति करता हुआ, कवि कहता है कि फुहारा सदैव गति करता हुआ, ब्लिसम माने प्रसन्न, एंड चेरी माने प्रफुल्लित, चेरी माने प्रफुल्लित रहता है। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि फुहारा सदैव गति करता रहता है, वह प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग माने चढ़ता है, हेवनवर्ड माने स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर ये वेरी माने बिना थके हुए, या कभी ना थके हुए। यानी कवि कहता है, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि फुहारा हमेशा गति में रहता है, और वह प्रफुल्लित और खुश रहता है, वह बिना थके हुए हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। पाँच, ग्लेड अप ऑल वेदर्स,
रेड माने प्रसन्न रहता है, आप पाल वेदर्स में सभी ऋतुओं में। कब वर्णन करते हुए कहता है कि फुहारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अपने में सबसे अच्छा प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। अपवार्ड एंड डाउनवार्ड, अपवार्ड माने ऊपर की ओर, आर माने अथवा, डाउनवार्ड माने नीचे की ओर, और सदैव वह ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, गति में ही दाई माने उसका, रेस्ट माने आराम होता है, अर्थात उसकी गति की निरंतरता में ही उसका आराम होता है। अब हम स्टेंजा 6 में जाएंगे, स्टेंजा नंबर 6। फुल ऑफ नेचर, फुल माने भरा हुआ, ऑफ नेचर मीन्स प्राकृतिक गुणों से, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ, अर्थात फुहारा अपने गति की निरंतरता में भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, उसको कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, अर्थात कवि वर्णन करते हुए कहता है कि फुहारा के गति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज माने बदलता रहता है, एवरी मोमेंट मीन्स प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, लेकिन वह सेम बना रहता है, अर्थात वह वैसा ही बना रहता है, वह प्रत्येक क्षण बदलता तो रहता है लेकिन ज्यों का त्यों बना रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। अब हम स्टेंजा 7 में देखेंगे, सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। कभी वर्णन करते हुए कहता है कि सीजलेस माने बिना रुकावट के, स्प्रिंग माने ऊपर चढ़ता रहता है, सीजलेस कंटेंट और लगातार संतुष्ट भी रहता है। कब वर्णन करते हुए कहता है कि फुहारा लगातार ऊपर की ओर गति करता रहता है और लगातार वह संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे दिन हो अथवा रात हो, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य की रोशनी हो, दाई एलिमेंट यही उसके गुण की विशेषताएं हैं कि वह निरंतर कार्य करता रहता है। स्टेंजा नंबर 8, इस स्टेंजे में कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है, इस स्टेंजे में कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फुहारे, लेट माई हेट बी, लेट हो जाने दो, माई माने मेरे, हेट माने हृदय को, बी माने होना होता है, लेट बी माने हो जाने दो, माई हेट माने मेरे हृदय को, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स स्थिर या दृढ़, अपवार्ड लाइक दी माने हमेशा अपने समान गति करता हुआ। यहाँ पर कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे फुहारे, हे शानदार फुहारे, हमें हमारे हृदय को अपने समान ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर हो जाने दो, अर्थात कवि फुहारे को अपने में समाहित करना चाहता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो सभी लोग लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।